पतरातु प्रखंड के तालाटाण पंचायत अंतर्गत पलानी जलप्रपात के नजदीक पलानी गांव में फुलवार कोचा सड़क पर बनी पुलिया पहली बरसात में ही पानी के बहाव के कटाव के कारण जर्जर हो चुकी है। आने वाले बरसात में यह लगता है कि पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कई टोलों में रह रहे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर्यटक जलानी जलप्रपात पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुजीत पटेल ने विधायक, स्थानीय प्रशासक और सांसद को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द पुलिया का निर्माण किए जाने को लेकर लिखित आवेदन देंगे। अभी हम ग्राम पलानी में हैं। यह रास्ता जो है फुलवार कोचा जाती है, तालाटाण पंचायत के अंतर्गत आता है। फुलवार कोचा जहाँ पर्यटक स्थल है डेली, अभी लॉकडाउन के कारण लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन सैकड़ों सैलानी डेली इस पुल से पुलिया से गुजरते हैं। और यह पुलिया लगभग बह चुका है। अगर एक बार इस बारिश आती है तो ये बह जाएगा। और मैं इस पे जिला प्रशासन, माननीय विधायक, सांसद सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, अन्यथा इसके आगे जो 6 टोला गाँव हैं उनका आवागमन बंद हो जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर और माननीय विधायक के निर्देश पर मैं इसका निरीक्षण करने और अवलोकन करने आया था। ग्रामीणों द्वारा एक हस्ताक्षरित ज्ञापन भी मिला है, जिसे माननीय विधायक और जिला उपायुक्त, जिला प्रशासन को मैं देखो व्यक्तिगत बात करूंगा कि ये जल्दी जल्द से जल्द बने। किसान जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर जा, 1 रुपया में माफ करा ले।